दोस्तों अगर आप भी दीपक चहर को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड को T20 सीरीज में धोकर रख दिया, जहां 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने सीनियर खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में भी कीवी टीम को धूल चढ़ाकर रख दिया। और दोस्तों भारत की जीत में सबसे बड़ा योगदान दीपक चहर से देखने को मिला। और दोस्तों इस बार गेंद नहीं बल्कि बल्ले से भी चहर ने ऐसा कारनामा कर दिया, जिसके बाद तो कीवी टीम के सभी गेंदबाज घुटने टेकते हुए नजर आए। दोस्तों आपको बता दें कि दीपक चहर ने बल्ले से क्या कमाल किया तो वहीं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, इस बात का जवाब होने के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में मिली कड़वी हार का बदला रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ने सूट समेत वसूल लिया है, जहां कोलकाता में दोनों टीमों के बीच में सीरीज का तीसरा और अंतिम T20 मुकाबला खेला गया। लगातार तीसरी बार भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता, लेकिन इस दफा गेंदबाजी की बजाय बल्लेबाजी करना ही बेहतर समझा। और पिछले दोनों मुकाबलों में टीम इंडिया ने लक्ष्य का पीछा किया था, लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टारगेट सेट करके मैच को जीतना चाहा। और भारतीय टीम दो बड़े बदलाव के साथ उतरी, जहां केएल राहुल और आर अश्विन की जगह ईशान किशन और युजवेंद्र चहल को खेलने का मौका दिया गया, जबकि टीम सऊदी की जगह न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल स्टैंटनर थे। और दोस्तों भारत के लिए रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ने पारी की शुरुआत करी, और ये एक्सपेरिमेंट कामयाब भी रहा, क्योंकि पहले 6 ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 69 रनों की पारी का स्कोर खड़ा कर दिया। और लगातार 6वें मैच में टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाजों ने 50 से ऊपर के रन की साझेदारी कर डाली। और इसके बाद कप्तान मिशेल स्टैंटनर ने एक ही ओवर में ईशान और सूर्य कुमार यादव को चलता करके भारतीय टीम को दोहरा झटका दे दिया, और न्यूजीलैंड ने मैच में वापसी कर ली। स्टैंटनर यही नहीं रुके और इसके बाद पंत को भी उनका शिकार बना लिया, और जिसके बाद बल्लेबाजी का सारा जिम्मा रोहित शर्मा के कंधों पर आ गया, और उन्होंने 31 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 56 रनों की कप्तानी पारी खेल डाली। हालांकि इसके बाद ईश सोढ़ी ने रोहित शर्मा को एक हैरान कर देने वाला कैच टपक लिया और टीम पर काफी दबाव आ गया। इसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर और वेंकटेश ने 5 विकेट के लिए 27 गेंदों में 36 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी कर डाली, लेकिन सिर्फ 2 रनों के अंतराल पर दोनों ही बल्लेबाज पवेलियन चल दिए और 140 के स्कोर पर भारत को छठवां झटका लगा। और एक बार फिर से पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम पुरानी गलतियों को दोहराने लगी, लेकिन दीपक चहर और हर्षल पटेल ने दिखाया कि कैसे जरूरत पड़ने पर टीम के लिए बल्ले से भी मैच विनर साबित हो सकते हैं। खासतौर पर दीपक चहर की पारी ने अंत में भारतीय टीम को बड़ा मोमेंटम दे दिया, क्योंकि अंत ओवर में दीपक चहर ने एडम मिलने की ऐसी धुनाई कर दी जिसे देखकर कीवी टीम के कार्यवाहक कप्तान सेंटर भी काफी दंग रह गए। दोस्तों चहर ने 8 गेंदों में 21 रन जड़ दिए और इस दौरान उन्होंने अंतिम ओवर में कुल 19 रन बटोरे, जिसके बाद भारतीय टीम का स्कोर अचानक से 165 से छलांग मारता हुआ 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 184 रन पहुंच गया। हालांकि हर्षल भी 11 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 18 रन से बढ़िया साथ निभाया, लेकिन चहर की पारी ने भारत को जीत के लिए स्कोर बोर्ड पर काफी रन दे दिए थे, जिसके बाद भारतीय गेंदबाजों को बचाने में कोई मुश्किल नहीं होने चाहिए थी। और 185 रन के जवाब में कीवी टीम की पूरी की पूरे बल्लेबाज 111 रन पर ढेर हो गए और भारत ने 73 रन से बड़ी जीत दर्ज करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज में लगातार 8वां मुकाबला जीत लिया है। इसके बाद 3 मैचों के T20 सीरीज को भारत ने 3-0 से हरा दिया न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड का व्हाइट वॉश क्लीन स्वीप कर दिया है। ऐसे में दोस्तों आप दीपक चहर की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।